नमस्कार दोस्तों, केंद्र में सरकार बनाने के लिए कितने बहुमत की जरूरत होती है जानें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे यहां संसद के दो सदन होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सदन शामिल है। इस समय चुनावी माहौल बना हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी कि लोकसभा चुनाव में पूरा देश शामिल रहा था। वहीं अब 4 जून को फैसला सबके सामने होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे यहां संसद के दो सदन होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सदन शामिल है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 18वीं लोकसभा के लिए सरकार चुनी जानी है, जिसके लिए चुनावी रण में नए चेहरों से लेकर पुराने मताधीशों ने भी अपना भाग्य आजमाया है। आगामी 4 जून को नतीजे जारी हो रहे हैं, जिसमें अब बस कुछ ही दिन की दूरी रह गई है। हालांकि इससे पहले हम जान लेते हैं कि संसद के निचले सदन लोकसभा तक पहुंचने और केंद्र सरकार बनाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। क्या है आम चुनाव? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आम चुनाव क्या है। आम या लोकसभा चुनाव देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक घटना है। आम चुनावों के दौरान भारत के नागरिक लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं, जो संसद का निचला सदन है। इन्हें हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। लोकसभा का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जो सरकार में सर्वोच्च आधिकारिक व्यक्ति हैं। आम चुनाव देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र सरकार की संरचना और उसकी नीतियों को निर्धारित करते हैं। लोकसभा में कितने सांसद होते हैं? लोकसभा या भारतीय संसद के निचले सदन में वर्तमान में 543 सदस्य हैं। इनमें से 530 सीधे राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 लोकसभा सदस्य हैं। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम के बाद 1971 की जनगणना के आधार पर अलग अलग राज्यों को सौंपी गई लोकसभा की मौजूदा सीटों की कुल संख्या 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रहनी चाहिए। लोकसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि के 5 साल बाद भंग हो जाती है। जल्दी विघटन के कुछ अपवादों के साथ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। ऐसे में इस बार 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव प्रक्रिया चली थी, जिसके तहत 7वें चरण की वोटिंग 1 जून तक चली। इसके बाद नतीजे जारी 4 जून 2024 को जारी किए जाएंगे। सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत जरूरी होता है? अब सवाल है कि आखिर सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत जरूरी होती है। तो आप बता दें कि लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी को कम से कम 272 सीटें जीतनी चाहिए। यदि पार्टी 272 से अधिक सीटें जीतती है तो वह अपनी खुद की सरकार बना सकती है। हालांकि यहां 272 से कम सीटें होने पर पार्टी को अन्य किसी पार्टी का सहयोग लेना होगा, जिससे गठबंधन की सरकार बन सकती है। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कोशिश करती है कि वह पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाए, जिससे वह सदन में किसी भी मुद्दे को कम विरोध के साथ पास करा सके। क्योंकि जितना अधिक बहुमत होगा उतना ही कम किसी मुद्दे पर विपक्ष की ओर से कम विरोध होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।